الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام صاحب تاج والمعراج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس زهاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل شيم شفيع الامم صاحب جود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات محمد آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے اس آئے کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کیا جائے گا ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ کی روح کو ہدیہ فرما دیں رسول فاطمہ عرف ہندو بنت ممتاز حسین ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد آل محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں دو راستوں کا ذکر فرما رہا ہے اور انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ایک گروہ دعا کر رہا ہے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر پروردگار عالم نے دونوں راستوں کو ظاہر کر دیا ہے ایک وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر اس کا انعام نازل ہو رہا ہے اور ایک وہ راستہ ہے جس پر اس کا غضب نازل ہو رہا ہے دونوں راستے اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر کے ان کی نشاندہی بتا دی ہے اور بالکل انسان کو گمراہ نہیں رکھا پوشیدہ طور پہ کوئی چیز نہیں ہے دو اور دو چار کی بات ہے چاہے ہدایت والا راستہ لے لو چاہے ضلالت والا راستہ لے لو اللہ نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رکھی
कि इंसान सोचने लगे पता नहीं वो कौन सा रास्ता है। अल्लाह ने कहा एक वो रास्ता है जिसके ऊपर मेरा इनाम नाजिल हुआ, एक वो रास्ता है जिसके ऊपर मेरा गज़ब नाजिल हुआ। अब इख्तियार है आपके हाथ में है, चाहे आप जलालत वाला रास्ता ले लें चाहे हिदायत वाला रास्ता ले लें। इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम देकर साबित कर दिया कि परवरदिगार आलम तुम्हें कहीं पर भी गुमराह नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारी अक्ल के अंदर सब कुछ हमें मालूम है कि बुरी बात कौन सी है अच्छी कौन सी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं पर इंसान खुद ब खुद भटक जाता है और हक बातिल और बातिल हक में और बातिल में पहचान नहीं कर पाता। पहचान तो हो जाती है जीदाने मोहतरम, लेकिन वहाँ पर तजाहुले आरिफाना होता है और वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान के आड़े वो बात आ जाती है, चाहे वो रिश्तेदारी का मामला हो जाए चाहे वो आपसी ताल्लुकात की बात हो। अल्लाह कहता है कि न ताल्लुकात को देखो न रिश्तेदारी को देखो, देखो कि हक किधर जा रहा है। अगर हक तन्हा भी है तो वो फिर हक ही है, अगर वो हक तन्हा भी है तो वो हक है, और अगर आपके साथ पूरा लश्कर है और वो बातिल पर है तो फिर वो कयामत बातिल ही रहेगा। इसीलिए परवरदिगार आलम ने दोनों रास्तों के नतीजे पे बता दिया इन्ना हदेना हुस्सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा। जब तुम शुक्राने नेमत करोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि नेमत का रास्ता कौन सा है, और जब तुम कुफराने नेमत करोगे तो पता चल जाएगा जलालत का रास्ता कौन सा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद पर। दोनों रास्तों के बारे में परवरदिगार आलम ऐलान फरमा रहा है, एक रास्ता खैर का है एक रास्ता शर का है। फिर भी उसके बाद में इंसान अपनी आंखों के ऊपर हसद की ऐनक लगाने के बाद में ये नहीं देखता कि हक कहां पर है बातिल कहां पर है। अजीजाने मोहतरम, मक्का मदीना मुसलमानों से छलक रहा था, यजीद की हुकूमत न जाने कहां कहां फैल चुकी थी। रसूल इस्लाम को दुनिया से गए हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि वहां पर पूरी शरीयत आले मोहम्मद में तब्दीली शुरू हो गई थी। वहां पर भी हुसैन अगर चाहते तो खामोशी इख्तियार कर लेते, लेकिन न करके बताया कि दीन जिसका है तकलीफ उसे पहुंचेगी जिसका दीन नहीं होता। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तो जिसकी ये मालिक जिसका है माइक जिसका है मालिक को तकलीफ होगी। अगर इरफान ने इसको इधर से मरोड़ा इधर से तोड़ा तो वो बाहर से बैठा हुआ इसका मालिक फौरन आएगा, मौलाना गुस्ताखी माफ, मालिक मैं हूँ, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कैसे माइक चलेगा। तो पता ये चला जिसकी शय होती है उसे तकलीफ होती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद पर। क्योंकि दीन जो था वो हुसैन से मरबूत था, यजीद तो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा था। और अजीजाने गिरामी यही वजह है कि इमाम हुसैन ने 9 लाख नरगए आदा की आंखों में आके डाल कर ये कह दिया कि मुझ जैसा तू जैसे की बायत नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है हुसैन पहचानवाना चाहते हैं कि जब तक मैं रहूंगा कोई ना कोई यजीद सामने आता रहेगा तो उसकी तुम बायत ना करना। अगर मेरा जमीर तुम्हारे दिलों में है तो तुम भी पढ़ के कह सकते हो हम तुझ जैसे की बायत नहीं कर सकते। तुम भी बढ़ चढ़ के कह सकते हो कि हुसैन का जमीर हमारे दिलों में है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम अल्लाह बता रहा है एहदेना सिरातल मुस्तकीम। ये दुआया जुमले हैं जो हर नमाज के बाद में पढ़े जाते हैं।
इंसान दुआ करता है मस्जिद में आने के बाद, एहदेना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। जिसे सीधा रास्ता मिल गया वो वला जालीन के बाद में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसे आज तक रास्ता ना मिला वो आमीन और सुम्मा आमीन की लिस्ट में लगे हुए हैं। उन्हें आज तक रास्ता जब मिला ही नहीं है तो इसका मतलब ये हिदायत वहां तक पहुंची ही नहीं है। लेकिन अफसोस तो उन लोगों पर है कि जिन तक हिदायत पहुंच गई वो फिर हिदायत को मद्देनजर रखते हुए फैसला नहीं सुनाते, फिर तो वो यही कहते हैं कि क्या करें मजबूरन है। लेकिन अल्लाह कहता है मैं वहां मजबूरी नहीं देखूंगा, मैं वहां तुम्हारा किरदार देखूंगा। बारिश का इतना असर भी नहीं होना चाहिए कि आप दाद भी ना दे सकें। फजाइल अहले बैत के ऊपर मुंह नहीं देखना चाहिए, फराग दिली से दाद देना चाहिए। यह ना सोचना चाहिए कि क्या शायद मौलाना इरफान मदरसे की रसीद काट रहे हैं कि आपसे चंदा ले लेंगे। एक सलवात का सहारा दीजिए और दाद देते रहिए, सलवात पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अज्जिल फरजहुम। समझ रहे हैं आप अज़ीज़ाने मोहतरम, सलवात में बहुत बड़ा सवाब है। जितनी सलवात पढ़ेंगे चेहरे पर रौनकें आएंगी, घर में बरकतें नाजिल होंगी। बिरादराने ईमानी, ये ना सोचिए कि मैं बगैर लिफाफे के पढ़ के जा रहा हूँ तो दाद भी ना दूँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये हमने अपना मिजाज बदल दिया है। इमाम हुसैन को लिफाफे में तोलने लगे, ये लिफाफे में नहीं, अरे ये तो राहिब जैसे को छप्पर फाड़ के देता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। और जब भी नारा लगाया करें इस तरीके से लगाया कि जैसे अमीरों का नारा लगता है। लोग बात कहते हैं कि ये क्या जरूरत है नारों की, अरे जब तक नारा जिंदाबाद है तो हुसैनिया जिंदाबाद है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मिजाज को बदलते रहिए, दुनिया का तरीका रहा है। जिसके पास कुछ नहीं था वो तो अपने मजहब को पक्का कर रहे हैं, आपके पास तो इमाम ज़माना की ताकत मौजूद है, आपके पास सब कुछ मौजूद है, आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? दूसरों के चक्कर में ना पड़िए, दूसरों के अगर चक्कर में पड़ते रहेंगे तो सुनामी लहरों में आपको भी बहा दिया जाएगा। आप अपनी पहचान रखिए। अज़ीज़ाने मोहतरम, 4 इंच की मिसवाक वाले तो आगे बढ़ रहे, 72 फुट वाले आलम पीछे हो रहे हैं। वो तो 4 इंच की मिसवाक मस्जिद में दी थी, 72 फुट का आलम तो मैदान में दिया है। अरे मैंने एक जुमला दे दिया है, अब भी नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। चार इंच की मिसवाक तो मस्जिद में दी थी हुजूर ने, उसको आप जेब में रखे रखे फिर रहे ना, फिर रहे सब लोग। आपका आलम तो आलम जो दिया तो कल दिन में दूंगा आलम, कहा था दिन में दूंगा आलम, रात में भी दे सकते थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने पहचान करा दी कि देखो आलम भी दिन में दे रहा हूँ और अली को भी दिन में पहचानवाया ताकि दुनिया पहचान ले ना अली आलम से जुदा है ना आलम अली से जुदा है। वहां दिन के उजाले में दिया था, और मिसवाक वाले इतना बढ़ रहे हैं आज झंडे लिए फिर रहे हैं आज गली गलियों में। कल तक तो ये बिदअत था, आज झंडा कहाँ से आ गया? इसका मतलब यह है ये बिदअत कल भी नहीं था ना बिदअत आज है। बिस नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही है, इस पे जब हमने झंडे पे पंजा लगा दिया तो पंजे को देख के बिदअत हो गया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ाने मोहतरम, तो इसका मतलब यह है कि कल भी ये झंडा था लेकिन तुमने जो झंडा उठाया वो खाली डंडा ले लिया। हमने इसको इतना सजाया कि हमने आदम की सुन्नत को सामने कर दिया कि आदम ने सबसे पहले जन्नत में पंजे की ज़ियारत की थी, आज भी आदम की औलाद पंजे को उठाए हुए है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से इंसान दुआ कर रहा है, और दुआ करनी चाहिए क्योंकि दुआ इंसान का असला है, हथियार है। अगर दुआ नहीं करोगे तो नमाज भी आपके मुंह पे मार दी जाएगी। उठक बैठक करने वाले तो बहुत हैं
लेकिन नहीं अजीज आने मोहतरम, अल्लाह कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए दो रकत पढ़ी तो खाली हाथ नहीं जाना, कि सिर्फ मैं ही ना हो, अगर मैं के लिए करोगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। पड़ोसियों को भी देखते रहना, क्योंकि अगर सिले रहम नहीं है तो नमाज नहीं है, दुआ नहीं है। पहले रिश्तेदारों को देखते रहना, कोई ऐसा तो ना है क्योंकि गरीब हो और तुम बस मुझे मिल जाए बस मैं रहूं, मेरी औलाद रहे, बस मैं अल्लाह ने कहा मैं नहीं करना। पहले दुआ दूसरों के लिए करना, जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी इतना दूंगा। इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर, क्योंकि हर शय पे तुम मैं कादिर हूँ। जब तुम दूसरों के लिए मांगोगे तो फिर मेरा नज़र करम, मेरी रहमतें तुम्हारे ऊपर इतनी नाजिल हो जाएंगी कि तुम जब शुमार करने के लिए बैठोगे तो तुम उसकी गिनती को नहीं ला सकते कि मैंने तुम्हें कितना दे दिया। जब मैंने तुम्हें कितना दे दिया, फिर तुम फख्र करना कि अल्लाह की ज़ात पर जब इंसान भरोसा कर लेता है और पहले दूसरों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह कहता है कि जब तक तू अपनी जगह से ना उठेगा मैं तेरी झोलियों को मुरादों से ना भर दूंगा। अगर तू बे औलादा है तो औलाद दूंगा, गरीब है तो तुझे मालदार बना दूंगा, जब तेरे हक कुछ नहीं है तो सब कुछ दे दूंगा। मगर पर शर्त यह है कि पहले तू अपने घर वालों को ध्यान में रखना, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना। अगर सिले रहमई नहीं है तो अजीदाने मोहतरम नमाज़ें कबूल नहीं। सिले रहमी सबसे बड़ी नेमत है, उसे न जाने दिया जाना चाहिए। सिले रहमी कम से कम अपने रिश्तेदारों को सलाम के तरीके से याद करते रहो। जब तुम किसी बुजुर्ग पर सलाम करते हो सलामुन अलैकुम, तो अल्लाह कहता है कि मेरी इबादत को भी रोक दो, इसे जवाब सलाम दो। वो खुद तो कामयाब है लेकिन क्या औलाद की गारंटी ले सकता है नबी? अरे बताइए, नहीं। औलाद भी नबी अपनी कामयाबी के लिए नहीं कह सकता कि मेरी बीवी कामयाब या मेरी औलाद कामयाब, लेकिन करोड़ों सलाम हो अली की जात के ऊपर। नबी भी नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं ना, बेटा रह गया था ना, रह गया था, नबी आवाज देता है मेरे कश्ती में आ जा, बैठ जब आता, जब वो अहल होता ना, अहलों की तो भीड़ लगी हुई है, ना अहलों की भीड़ लगी हुई है, तो अहल और नाहल अगर देखना है तो मस्जिद में खयारा खैरिल अमल पे देख लेना, अरे कौन अहल है कौन नाहल है। पता चल जाएगा, एक घंटे से मरसिया हो रहा है, एक घंटे से ऐलान हो रहा है, ये मजलिस हो चुकी शुरू, व्हाट्सएप पे चल रहा है, माइक के जरिए आवाज दी जा रही है, बेचारा मरसिया पढ़ने वाला मरसिया पढ़ के उचक उचक के देख रहा कोई आए ना आए। मैं कहता हूँ उचक के मत देखो, जिसके लिए मजलिस हो रही बस वो भी आ जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। कोई नहीं कह सकता, नबी भी अपनी बीवी की गारंटी नहीं ले सकते। कोई कहते खड़े हो के मेरी बीवी कामयाब, नहीं कह सकता अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन ज़ाते अली इब्न अबी तालिब पे हमारे करोड़ों सलाम हो। अली बढ़ के बता रहे हैं अली कामयाब, उसकी औलाद कामयाब, उसकी जौजा कामयाब, और ऐसी फातिमा कामयाब के अल्लाह ने कह दिया रजी अल्लाह बकलम, खुद लिखने से कुछ नहीं होता, जिससे जहरा राजी उससे अल्लाह राजी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद, जिससे जहरा राजी उससे अल्लाह राजी। ये बीवी ऐसी कामयाब है, ऐसी बड़ी कामयाबी की सनद। मौला मुत्तकियान के दरवाजे पर रिसालत में आप पहुँचे, रुख्सत हो गए, बीवी घर पहुँच चुकी हैं। दकुलबाब क्या, दरवाज़ा खुला, कहा अली तुमने फातिमा को कैसा पाया? कोई है ऐसा बाप जिगर रखने वाला जो अपनी बेटी से मालूम कर सके कि बेटी ससुराल में कैसे रहना है?
तुम अपनी माँ को छोड़ के जा रही हो, तुम्हारी माँ दूसरी माँ मौजूद है। तुम अपने बाप को यहाँ छोड़ के जा रही हो, तुम्हारा बाप वहाँ मौजूद है। तुम देखो उमूरे खानादारी में ख्याल रखना, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना। अगर अजीजान मोहतरम हमारे बाप ने अपनी बच्चियों को ये तालीम दी होती तो आज माशरा इतना ना बिगड़ता। रसूल इस्लाम अपनी बेटी के बारे में अली मुर्तजा से सवाल करते हैं, बताओ फातिमा को कैसा पाया, बताओ फातिमा को कैसा पाया। फौरन अली मुर्तजा मुस्कुरा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह उमूर दीन में मैंने फातिमा को अपना हम ख्याल पाया, अपना हम ख्याल पाया। इतनी बड़ी कामयाबी उस वक्त मिलती है अजीजान मोहतरम जब इंसान का किरदार पाक हो, इंसान का नफ्स पाक हो। और जब पाकीज़गी ख़त्म हो जाती है तो इंसान के अंदर जब इंसान इतना नजिस हो जाता है तो उसे ये पता नहीं चलता हराम क्या है हलाल क्या है, उसकी अपनी नज़रों पर भी काबू नहीं रहता, ये नजरों पे भी काबू नहीं रहता। जब इंसान के शिकम हराम गिजाओं से भर जाते हैं तो उसके फिर गिजाओं का नतीजा ये होता है कि उसकी कुव्वत बसारत में हराम हराम चमकने लगता है, ना हलाल की तमीज रहती है ना हराम की तमीज रहती है। जब उसकी नजरें फेल हो चुकी अब तो जो कुछ है वो अंधे चश्मे की तरह लगा लिया उसने, इधर भी हाथ मारना है उधर भी हाथ मारना है। अहले बैत की तालीम ये नहीं है अजीजान मोहतरम, कितने बरस रहना है कितने बरस जाना है, यहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। परवरदिगार आलम से इंसान दुआ कर रहा है, परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पे कायम रख। एक वो गिरोह है जिन्हें अब तक सीधा रास्ता मिला ही नहीं है, फिर उसके बाद में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह से बंदा दुआ कर रहा है, परवरदिगार मुझे उस सीधे रास्ते पर कायम रखना जिस पे तेरा इनाम नाजिल हो रहा है। ए परवरदिगार वो सीधा रास्ता ना दिखाना, वो टेढ़ा रास्ता ना दिखाना जिसके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हो रहा है। इसका मतलब यह है रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि देखो एक शर का रास्ता है एक खैर का रास्ता है, और जिसके लिए अहले बैत खैर कह दे उसे कोई शर नहीं ला सकता, और जिसको शर पे कह दे वहां तक खैर नहीं पहुंच सकता। यही वजह थी किसी पैगंबर इस्लाम ने किसी बीबी के लिए कह दिया था कि तुम खैर पर हो पलट जाओ तो वो बीबी हमेशा खैर पे रहेगी, अगर जिसके लिए कह दिया कि तुम शर पे हो तो कयाम कयामत तक इंसान उसको खैर पे नहीं ला सकता। अजीजान मोहतरम दोनों मोहतरमाए सामने आ गई, एक वो बीबी थी जिसको खैर पे कह के अल्लाह का रसूल कयामत तक सनद देकर जा रहा है, एक वो बीबी है जिसके लिए कह दिया कि तुम शर पे हो तो कयाम कयामत तक वो शर पर रहेगी। दोनों रास्ते इंसान के इख्तियार में, चाहे वो खैर का रास्ता इख्तियार कर ले चाहे शर का इख्तियार कर ले। दुनिया से बीबी जा रही है और वसीयत कर रही है अबू तालिब के बेटे अबुल हसन, मेरी नमाज जनाजा सिर्फ तुम्हें पढ़नी है, अबुल हसन फला फला को रोक देना वो मेरे नमाज में ना आए, वो मशियात जनाजा ना करे। अजीजाने गिरामी सोच रहा था आखिरकार बीबी ने मना क्यों किया। वरक गर्दानी करने के बाद तारीख में एक जुमला मिला, इमाम रजा अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसने मर्द मोमिन पे नमाज मशियत जनाजा पढ़ ली नमाज जनाजा अदा कर ली तो इमाम फरमाते हैं अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके गुनाह मर्द मोमिन पे जिसने नमाज मशियत पढ़ ली नमाज जनाजा पढ़ ली मशियत जनाजा कर ली तो उसका अल्लाह गुनाह को माफ़ कर देता है जो उसने गुनाह किए हों। यानी अल्लाह ने इतनी बड़ी सनद दे दी कि मर्द मोमिन की नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। बीबी जहरा ने यही वजह थी कि इन लोगों पे पाबंदी लगाती थी कि मेरी नमाज जनाजा में फला फला ना आने पाए, फला फला ना आने पाए, अगर ये नमाज में शरीक हो गए अल्लाह अकबर। जब मर्द मोमिन का इतना बड़ा सवाब है तो फिर बीबी जहरा पे नमाज जनाजा पढ़ने का कितना बड़ा सवाब होगा। दुनिया से बीबी जा रही है, वसीयत फरमा रही है अबुल हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अबुल हसन जब शादी करके लाना तो एक रोज़ उनके पास रहना एक रोज़ मेरे बच्चों के पास रहना। अबुल हसन जब मेरे हुसैन की शादी करना तो इस दूल्हा को मेरी निशान कब्र पे ज़रूर लेके आना। आज़ादारों एक माँ को बड़ी तमन्ना रहती है कि उसका बेटा नौजवान हो
और बेटे के सर पे सेहरा बंधे। लेकिन हाय लैला की माँ करबला में क्या करे, जिसकी तमन्ना जिसकी आरजू 18 बरस का बेटा जवान अली अकबर सामने खड़ा है, मरने की इजाज़त मांग रहा है। वो माँ दिल किस दिल से इजाज़त देगी? और अजीज़ान मोहतरम, दिल से इजाज़त तो मिल गई, लेकिन यहूदन औरत की जैसे ही नज़र अली अकबर के कटे हुए सर पे पहुँची तो एक जुमला कहा, इसके मरने से पहले इसकी माँ तो पहले ही मर गई होगी। लेकिन लैला आगे बढ़ कर कहती, तूने इंसाफ ना किया, अरे इसकी मां तो लैला मौजूद है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों, मेरे भाई फर्जंद ने बेहतरीन मर्सिए में आप लोगों के मुसाफ करा दिया, आपको रुला दिया, लेकिन वहीं से एक कड़ी जोड़ रहा हूँ। आज़ादारों, जब इनको हुक्म रिहाई मिला तो सैयद सज्जाद से ज़ैनब कुबरा ने यही फरमाया था, बेटा मैं शाम को जब तक ना छोड़ूंगी, जब तक अपने भैया पे दिल खोल के ना रो सकूंगी। इसका मतलब यह है कि ज़ैनब पे अब तक रोने पे पाबंदी थी। अरे जब भी ज़ैनब रोती थी कोई नहीं ताजिया ना मारता था, कोई सकीना के रुखसारों पे तमाचे लगाता था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों, लीजिए हुक्म रिहाई मिला। सैयद सज्जाद ज़ैनब कुबरा के पास आए, आने के बाद में कहा, फूफी अम्मा चाहे आप यहाँ रहें चाहे मदीने चले जाएं। कहा, यजीद से मेरे 3 मुतालबे हैं, वो पूरे करा दे। कहा, पहला मुतालबा क्या है? कहा, एक घर खाली कराया जाए जिसमें बैठ के मैं अपने हुसैन पर दिल खोल के गिरिया कर लूँ, और दूसरा मेरा मुतालबा यह है कि हमारा लुटा हुआ सामान वापस कराया जाए, और तीसरा मुतालबा यह है कि कोई हमारा शिया जो रास्तों से आशना हो हमें मदीने तक पहुँचा दे। आज़ादारों, लीजिए सैयद सज्जाद ने ये 3 मुतालबे यजीद के सामने पेश किए। यजीद ने कहा, अली इब्नुल हुसैन, मैं 2 मुतालबे तो पूरे करा सकता हूँ, लेकिन वो तीसरा मुतालबा कैसे पूरा कराऊँ? अरे कोई ज़ैनब की चादर लूट के कहाँ ले गया, कोई सकीना के बुंदे कहाँ ले गया। लीजिए आज़ादारों, एक घर खाली कराया गया। घर खाली कराने के बाद में तारीख बताती है, कटे हुए सरों की बारी आई। लैला ने आगे बढ़ के अकबर का सर ले लिया, कासिम की माँ फरवा आगे बढ़ हुआ। तारीख में ये जुमला भी देखने को मिला, अरे जब तमाम चादरें आ गईं तो एक छोटी सी चादर आई। बस एक मरतबा ज़ैनब कुबरा अपनी जगह से उठी, कहा, भाभी रबाब, लीजिए आपकी बच्ची सकीना की चादर आ गई। चादर का आना था, रबाब ने चादर को लिया, खैम तारीख बता दिए, मक्तल की तरह पड़ी। पीछे पीछे ज़ैनब, रबाब ने छोटी सी कब्र पे चादर को उड़ाया। ए सकीना उड़ा, तुझे बड़ी तमन्ना थी मदीने जाने की। سيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون। परवरदिगार, आज से मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। जो बेरोज़गार रोज़ी अता फरमा, जो बे औलाद औलाद सालेह अता फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ ख़ज़ाने गैब से अदा फरमा, परेशान हाल उनके पर अपना करम अपना रहमत फरमा। रोज़ी रोटी में परवरदिगार इजाफा फरमा, बरकत अता फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ ख़ज़ाने गैब से अदा फरमा, जो बीमार है उनसे सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहर में ताजील फरमा। परवरदिगार, मरहूमा को दर्जात फातिमा में बुलंदिया अता फरमा, जगह इनायत फरमा। मरहूमा रसूल फातिमा को परवरदिगार जवार फातिमा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, उनके पसंदगान को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार, इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा का सवाब पढ़ के मरहूमा की रूह को आ जा फरमाए।